आपका ये कहना है कि इसीलिए हम आप लोगों को भी बैठा रहे हैं, कोरोना की संभावनाएं, तीसरे लहर की संभावनाएं अगले महीने से शायद फिर से तैयारी चलेगी, वरना तो आप परमानेंट हो गए। जैसे आप चाहोगे कि हमको तो अब मिल गया, अब हम हमेशा के लिए हम रहेंगे, तो वैसा निर्णय अभी गवर्नमेंट ने या जिला ने या डीएमएफ से ऐसा निर्णय नहीं लिया, केवल एक समय के लिए, 3 महीने के लिए या जिस समय के लिए रखा गया था कोरोना के लिए, वरना आप तो हेल्थ विभाग के एक तरह से कर्मचारी हो जाओगे, संविदा कर्मचारी हो जाओगे। वैसा कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। आप लोग को उस समय के लिए लगाया था जब कोरोना के लिए आदमियों की जरूरत थी, अब कोरोना चला गया तो इसलिए बैठा रहे। हालांकि अभी बात जो हुई है कि 1 महीना अभी बैठा रहे, अगले महीने से फिर रखने पर विचार करेंगे, तो अगले महीने से आप लोग को फिर से रख सकते परमानेंट इसको जॉब, क्योंकि आप जिम्मेदार साथियों के साथ आए हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा जो कि कल के दिन फिर से साबित होगी कि अरे मंत्री जी ने तो ठग दिया। मैं भले कड़वी लगे बात, लेकिन सही बात बता रहा हूँ कि आप लोग को एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा गया है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट आप लोग को दिया गया है कि जब तक इस चीज में आपकी जरूरत है तब तक हम रख रहे हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि जितना और आपके लिए बढ़ाया जा सके वो बढ़ाया जा सके, तो कोशिश कर रहे हैं, और अगले महीने से फिर से रखने की बात कलेक्टर साहब ने भी स्वीकार की, तो प्रमोद भाई इसको फॉलो अप करें जी। दो चीज देखिए कि एक आपको कभी बैठाए नहीं है, मैं उसका आश्वासन नहीं दे सकता, तो झूठ बात हो जाएगी, मैं झूठ नहीं बोलता और ना गलत आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए आए हो तो खुश करके वापस भेज दिया और फिर बैठा दिए जाओगे। तो आप लोगों को रेगुलर संविदा अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, केवल कोविड के समय कुछ समय के लिए आप लोगों को काम पे लगाया गया है। ये कितना खींच सकता है उसके लिए प्रयास प्रमोद जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी जो मदद होगा करेंगे, लेकिन ये मन में रखिएगा कि ये आपके लिए एम्प्लॉयमेंट निरंतर चलने वाला नहीं है। कहीं मौका दूसरा लगे एम्प्लॉयमेंट का, चाहे सरकारी हो चाहे दूसरा, भी तो और पद निकल रहे हैं, उसमें भरो, आप लोग रेगुलर हो जाओगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड वालों को कुछ नंबर भी मिले जी सर, अगर वो हो सकता है तो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको भी पक्का मत मानना क्योंकि मैंने बात की है विभाग में, अगर हो सकेगा तो पुराने अनुभव का, जैसे पिछले बार नर्सेस की भर्ती हुई थी तो पुराने अनुभव का हमने नंबर रखा था ताकि पहले से जो काम कर रहे हैं उनको मिले, नए वालों को दुख हुआ